परमेश्वर एक बार वही आशय कम करेगा, दूसरी बार में वही आशय कम करेगा, तीसरी बार भी वही आशय कम करेगा, कितनी बार आशय कम करेगा वही वही? मुझे तो नहीं लगता कि वही वही आशय कम परमेश्वर करता ही रहेगा। शुरू में तो मैं भी हाँ बोल दिया, हाँ बात सही बोल, क्यों अपने आप को चेक किया, मैं बोला नहीं तो मैं तो गलत बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने मन्ना कितने साल खिलाया इसराइल को, कितने साल खिलाया? 40 साल तक खिलाता रहा। कौन से दिन नहीं गिरता था मन्ना? कौन से दिन मन, हाँ सबत के दिन नहीं गिरता था। सबत कौन सा है? संडे नहीं है। सबत कौन सा दिन है? सैटरडे, शनिवार। क्यों? क्योंकि रविवार तो सप्ताह का पहला दिन है। ईस्टर हमेशा संडे को आता है, क्यों? क्योंकि वो रविवार सप्ताह का पहला दिन है। बाकी दिन यदि ज्यादा मन्ना बटोरते थे तो खराब हो जाता था, लेकिन सबत के पहले वाले दिन बटोरते थे डबल तो वो खराब होते नहीं था। ये तो बड़ा आश्चर्य है, कैसे 40 साल तक ऐसे ही चलता रहा। परमेश्वर एक क्या 40 साल तक आश्चर्य कम कर सकता है, हालेलुया। 50 साल तक वही वही आश्चर्य कम कर सकता है, जी हाँ। सो जो कुछ व्यक्ति कह रहा है मैं वचन के अनुसार जांचने की आवश्यकता, सही है कि नहीं है। कई बार लगता है सही बोल रहे हैं पर वास्तव में पूरा पूरा गलत बोल रहे हैं, इसलिए हमें बाइबल के अनुसार जांचने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, पहला थिस्सलुनीकियो 5वां अध्याय उसका 21वां पद, 1 Thessalonians 5:21। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हम लोग उल्टा करते हैं, सब बातों को परखो, जो खराब खराब उसको पकड़े रहो। 20 साल पहले ये भाई ऐसा किया था मेरे साथ, ये बहन 10 साल पहले ऐसा व्यवहार किए थे, क्या हम लोग ऐसा नहीं कहते कई बार? नहीं, इसको भूलना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। अच्छी बातों को क्या करना है, थाम कर रखना कि मैंने क्या सीखा उसके जीवन से। अच्छी बातों को परखना है, ले लेना है अपने लिए। अब मैं आपको बताऊंगा हम क्या चीज से अपने आप को जांचें। यदि लकीर थोड़ी सी तिरछी है तो आपको पता कैसे चलेगा, स्केल के द्वारा। किसके द्वारा? स्केल के द्वारा। यदि मेजरमेंट पे कुछ गड़बड़ है तो टेप आता है नापने वाला टेप, उससे पता चलेगा कि मेजरमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है। आजकल वजन नापने का जो किलोग्राम वाला बाट होता है ना, उसमें भी कई बार गड़बड़ी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया, उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का एक विभाग होता है नाप तौल विभाग, वो आके चेक करता है। जैसे कि मैं रास्ते में बता रहा था, मान लीजिए कोई सर्फ कंपनी है, कोई भी कंपनी जो कपड़ा धोने का पाउडर बेचती है, एक केले के पैकेट में मान लीजिए 5 ग्राम वो कम पैकेट में भरा है, तो जो जांचने वाला इंस्पेक्टर आएगा वो ये नहीं बोलेगा 5 ही ग्राम तो कम है, होता कितना है। और ये ना बोले कि लाखों का पैकेट को लोग निकालते हैं हर दिन, यानी कि हर दिन कितनी बड़ी बीमारी हो रही है। ये जब किसी व्यक्ति को जांचना रहता है कि इसको मलेरिया टाइफाइड है क्या है, 1 लीटर खून निकालते हैं क्या, कितना खून निकालते हैं ब्लड टेस्ट के लिए, थोड़ा सा उसी पर ही जाता है क्या हुआ इसको। इसलिए जब थोड़े में ईमानदार है बहुत ईमानदार है, ठीक है। इसलिए उसी में पता चल जाता है कि हम कैसे हैं, परमेश्वर उसी में आपको चेक करना चाहता है। सो कैसे चेक करें, सबसे बड़ी बात इस वचन के आधार पर कैसे चेक करना है, इस वचन के आधार पर अपने आप को जांचें। हमारे पास कोई और दूसरा सिद्धांत नहीं है, कोई दूसरी किताब नहीं है, पवित्र बाइबल अपने आप को जांचना। एक उदाहरण हम देखेंगे, पहला इतिहास उसका 15वां अध्याय है और उसका 13वां वचन, 1 Chronicles 15:13। राजा दाऊद ने वाचा के संदूक को बैलगाड़ी में मंगवा लिया। एक व्यक्ति ने सहायता किया जब संदूक ऐसा लग रहा था गिर जाएगा, पर जैसे ही उसने स्पर्श किया परमेश्वर ने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया, सजा मिली इसको। तो दाऊद को बड़ा डर लगा, कैसा करेंगे, पढ़ें क्या 15:13। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। दाऊद अपनी गलती को सुधार रहा है। गिनती की पुस्तक में साफ लिखा है कि हम के वाचा के संदूक को कोहाइट्स लोग लेके जाएंगे, कहाती लोग जो लेवी गोत्री के थे,
और कोई दूसरा छू नहीं सकता उसको, डंडे लगे थे हैंडल, हैंडल को पकड़ना है, वाचक के संदूक को नहीं। वो समझा, कैसे समझा, इस वचन के आधार पर चाचा। आप जो भी गलती करते हैं इस वचन के आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें वचन पढ़ना है, लिखा है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। रोज पढ़िए इस वचन को जितना ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, हम कैसे जांचे अपने आप को, पहला शामिल 24:5, दाऊद और उसके साथी गुफा में छिपके बैठे थे और शाऊल आ गया, उसने अपने बागे को उतारा, दाऊद के साथियों ने उकसाया दाऊद को और कहा देखो यहोवा ने शत्रु को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, खत्म कर दो। इसने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, पर फिर भी बागे का एक छोर उसने काट लिया। क्या दाऊद को नुकसान पहुंचाने की आदत थी, जैसे कई लोग कार में खरोच मार देते हैं, स्कूटर खड़ी रात मार के चले जाते हैं, कुछ ऐसा रहता है, ये नुकसान करने की आदत नहीं थी। पर जब शाऊल थोड़ा सा दूर चला जाता तो दाऊद चिल्ला के बोलता कि शाऊल भी आज आप मेरे हाथ में थे, मैं आपको खत्म कर सकता था। शाऊल बोलता मैं यकीन नहीं करूंगा, हो नहीं सकता ऐसा। तब दाऊद बोलता देखो ये कपड़ा मैंने काट के रखा है तुम्हें बताने के लिए, ये था उसका कारण। फिर क्या हुआ, 5:5, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागी की छोर काटने से पछताया। देखिए फुल नोट्स में क्या लिखा है, पछताए के बाजू में एक चिन्ह नीचे आते हैं। वह अपने जनों से कहने लगा, नहीं नहीं एक चिन्ह बना, देखिए नीचे क्या लिखा है, एकदम नीचे अर्थात बच निकलने का ढंग। नहीं 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 एक और, वो दूसरा है, दाऊद के मन ने उसे मारा। मन कैसे मारेगा बताइए, मन मारेगा कैसे, विवेक फायल करता है, क्या करता है, कॉन्शियंस जमीर प्रिक करेगा आपको, आपका दोष आपको बता देगा। सो परमेश्वर हर एक को विवेक दिया है, आप आत्मा है, आपकी आत्मा की आवाज को क्या बोलते हैं, विवेक, कॉन्शियंस। जी हाँ, सो जो आपका मन है, आपकी जो अंतरात्मा है, मैं आप ही में शब्द में कह लूं, वो कहेगा कि आप दोषी हैं, आपने सही काम नहीं किया। सो उस आधार पर अपने आप को क्या करना है, जांचने की आवश्यकता। एक बार एक धावक था, एक रनर था, और वो जब नहीं, एक व्यक्ति था जो रनर का कप चुरा लिया था, एक व्यक्ति था जो खिलाड़ी का कप होता ना उसको चोरी कर लिया था, और वो थाना आया और पुलिस वाले से कहा कि सर मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैंने बहुत पहले इस कप को चोरी कर लिया था। कौन बोला उसको कि तुम अपराधी हो, कौन बोला कि तुम अपने आप को सौंप दो, उसका विवेक बोल रहा था, कौन बोला था, उसका विवेक बोल रहा था कि तुमने गलत किया है। सो हम अपने विवेक के आधार पर अपने आप को जांच सकते हैं। तीसरी बात, हम कैसे जांचे, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बात करता है, भजनकर्ता के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा, पास्टर, बाइबल टीचर्स, सो इनके प्रचार को सुनकर, इनके चेतावनी को सुनकर, इनके भविष्यवाणी को सुनकर, इनके काउंसलिंग को सुनकर अपने आप को क्या करना है, जांचने की आवश्यकता है। क्या आप प्रचार को ध्यान से सुनते हैं, वो आपके मेरे लिए होता है। जब दाऊद ने पाप किया, पाप करने के पश्चात भी अपनी गलती को मान नहीं रहा था, नातान नबी आया, उसने दाऊद को एक दृष्टांत कहा और पूछा दाऊद आपका उत्तर क्या है, दाऊद ने कहा ऐसा ऐसा होना चाहिए, नातान ने कहा तू ही वह व्यक्ति है, तब उसे समझ में आया कि मैंने पाप किया है, तब वो क्षमा मांगता है। प्रियो जब प्रभु के लोग आते हैं उनके हर एक प्रकार की बातों को ध्यान से सुनना है, उनके चेतावनी को ध्यान से सुनना है, और इस तरीके से हम अपने आप को जांच सकते हैं। कई बार आपने अच्छे अच्छे कंपनी के उत्पादन को देखा, प्रोडक्शन तो आपने देखा होगा, उसमें एक स्टिकर लगा रहता है ओके टेस्टेड, जो ऐसे साधारण कंपनी के रहता है उसमें लिखा जरूर रहता है, टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं आता, ऐसे निकाल के दे देते हैं सस्ता माल। हाँ, एक बार किसी ने मुझे गिफ्ट में मसाला पीसने का मशीन दिया था, मिक्सी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, तो उसमें एक बटन था वो नकली था और नया था, वो काम ही नहीं कर रहा था। दुकान वाले ने कहा कि आप उसको बनवाओगे तो बहुत पैसा लग जाएगा, मैं बोला ठीक है मैं दे देता दूसरे को, वो हो सकता बना के उपयोग नहीं कर ले।
सो हम देखते हैं अपने आप को चेक करने की आवश्यकता, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, कहां पर क्या हो रहा है। कहीं नकलीपन तो नहीं है जीवन में, कहीं दिखावटी जीवन तो हमारा नहीं है, सही ना? एक अच्छा जीवन हमारा होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को जांचें। मैंने आपसे कहा कि हमको अपने चाल चलन को जांचना है, अपने विश्वास को जांचना है, हम मसीह में है कि नहीं और मसीह हमारे अंदर है कि नहीं, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। कल इस समय लोगों को परखना जो सेवा करते हैं, हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसे परखना है, जो भी व्यक्ति प्रचार करता है उसका प्रचार बाइबल पर आधारित है या नहीं, हमें जांचने की आवश्यकता है। सब कुछ परखना है, कैसे परखे, वचन के आधार पर, अपने आत्मा के आवाज के आधार पर, कॉन्शियंस के आधार पर, जो प्रचार करते हैं पास्टर प्रचारक, जो भी लीडर्स हैं, उनके काउंसलिंग, उनके प्रोफेसी के आधार पर हमें से हर एक को जांचना परखना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। अच्छी अच्छी कंपनी कई बार चेक करती है सामानों को, तो उसकी जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। एक बड़ा ब्रांड होता है, नाम से वो सामान बिकता है। वो जितना ज्यादा अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप को जांचेंगे, हम और ज्यादा उपयोगी बनेंगे, यूजफुल बनेंगे, प्रभावशाली बनेंगे, बलवंत बनेंगे, क्योंकि हमने सब तरफ अपने आप को चेक किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते। हम अपने आप की तुलना, अपने आप को जांचने के लिए किसी इंसान से ना करें। हो सकता है कि हम बेहतर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु दया कीजिए कि हम अपनी तुलना आपसे कर सके, क्योंकि हमेशा हम नीचे ही ठहरेंगे और तभी हम जान सकेंगे कि हमने कहां कहां गलती किया है। अरे सोचने विचारने में, कहने में, सुनने में, विचार करने में, कार्य करने में, हर जगह हम गलती करते हैं, समझ सके, जान सके, ताकि मान सके प्रभु और एक अच्छा जीवन बिताने वाले हो सके। सबको मजबूत बनाइए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी आज के समय के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। थैंक यू।